हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं राजस्थान की छतरियाँ। राजा महाराजाओं को जहाँ जलाया जाता था, उस स्थान पर उनकी स्मृति में इमारत बनाई जाती थी, तो उस इमारत को ही हम छतरी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी जो हिंदू शासक थे उनको जहाँ पर भी जलाया जाता था, तो जहाँ पर उनका समाधि स्थल बनाया जाता था, तो उसी को क्या बोलते हैं, छतरी कहा जाता है। जैसे कि आगरा का जो ताजमहल है, वहाँ हम देखते हैं कि शाहजहाँ और मुमताज़, इन दोनों की ही आसपास में जो है वो कब्र बनी हुई है। तो शाहजहाँ ने अपनी जो रानी थी उसकी मुमताज, उसकी स्मृति में क्या बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। तो यहाँ पर राजा महाराजाओं को जहाँ जलाया जाता था, तो उसी स्थान पर उनकी स्मृति में, याद में एक इमारत बनाई जाती थी। ठीक है, और उसी को छतरी कहते हैं। तो छतरी जो है, जो कि हिंदू राजा महाराजाओं की बनाई गई। राणा सांगा की छतरी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राणा सांगा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ऐसे भी बोला जा सकता है कि मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है। दोनों ही लाइन सही रहेगी। ठीक है, तो देखिए, जब 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बीच में, तो बाबर जो है, जो कि यहाँ पर शक्तिशाली दिखाई देता है क्योंकि तोपखाने और तुगलुमा युद्ध पद्धति जो है वो अपनाता है। राणा सांगा जो है वो विभिन्न राजाओं को तो आमंत्रित करते हैं पाती पेरवन पद्धति के द्वारा, लेकिन सफल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी शासक थे वो अपनी अपनी युद्ध नीति जो है वहाँ लेकर आते हैं, और जब सब अपने अलग अलग तरीके से चलेंगे तो उस युद्ध को जीतना जो है वो संभव नहीं रहा। तो इस वजह से राणा सांगा जो है वो यहाँ पर पराजित होते हैं, और यहाँ से जो उनके सामंत होते हैं इनको कहते हैं कि आप जो है इस युद्ध भूमि से चले जाएं, क्योंकि राजा का जो है सेफ रहना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ राणा सांगा के जो सामंत होते हैं उनको युद्ध भूमि से वापस ले जाते हैं, लेकिन राणा सांगा नहीं चाहते थे घायल होते हुए भी कि मैं जो है मैं पराजय का बदला ना लूं, किससे, बाबर से। ठीक है, तो वहां लौटने से जो है वो इनकार कर देते हैं। तो उनके सामंत क्या करते हैं कि बहुत बुरी हार हो, पराजय हो, तो वो क्या करते हैं, राणा सांगा को जो है वहीं पर जो है विष दे देते हैं, जहर दे देते हैं, जिस वजह से राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। कहां पर होती है मृत्यु, 1528 में बसवा दौसा में मृत्यु होती है राणा सांगा की। ठीक है, लेकिन इनका समाधि स्थल जो है इनका कहां पर बना हुआ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये 8 खंभों की छतरी बनाई गई है, और इसका निर्माण किसने किया है, भरतपुर के अशोक परमार ने किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। फिर देखें राणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी, यानी कि महाराणा प्रताप का समाधि स्थल कहाँ है, बांडोली उदयपुर में है। तो यहाँ पर जब 1576 के समय जो है, 21 जून 1576 को जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है राणा प्रताप और अकबर के ही बीच में होता है, तो यहाँ पर राणा प्रताप जो है जिनका घोड़ा चेतक जो है वो घायल हो जाता है, और राणा प्रताप युद्ध भूमि से चले जाते हैं। तो इस युद्ध को जो है अनिर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ राणा प्रताप जो है वो हार स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चले जाते हैं दूर, और लेकिन फिर भी जो है पहाड़ों में रहते हैं, और वहां से भी मुगलों को परेशान करने के लिए जो है वो कई बार धावे जो है वो करते हैं, यानी कि परेशान करने के लिए मुगलों को यहां से जो है अपनी रणनीति जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो 1585 से पहले जो है अकबर जो है मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए बहुत से अभियान भेजते हैं, लेकिन वो फिर भी सफल नहीं होता है, राणा प्रताप नहीं यहाँ पर झुकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो राणा प्रताप हैं, उसके बाद जब अकबर अभियान नहीं भेजता है 1585 के बाद, तो राणा प्रताप चावंड को अपनी नई राजधानी बनाते हैं, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चावंड के पास में है एक बांडोली गांव, तो इस बांडोली नामक गांव में प्रताप का जो है वो अंतिम संस्कार किया जाता है। बांडोली कहाँ है, उदयपुर में है, और यहीं पर 8 खंभों की जो है वो छतरी बनी हुई है, और इस छतरी का निर्माण जो है वो राणा प्रताप के जो बेटे हैं अमर सिंह फर्स्ट, इन्होंने करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अमर सिंह प्रथम जो है राणा प्रताप के बेटे, इन्होंने ही निर्माण करवाया था राणा प्रताप की छतरी का। फिर देखिए,
राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। और चेतक की छतरी जो है वह बलीचा गांव में बनी हुई है। यहीं पर जो है बलीचा गांव में ही चेतक की मृत्यु हुई थी। और बलीचा गांव कहाँ है? राजसमंद में। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, राणा प्रताप की छतरी बांडोली गांव उदयपुर में और चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद में। फिर देखिए राणा उदय सिंह की छतरी। तो राणा उदय सिंह की छतरी जो है वो गोगुंदा उदयपुर में बनी हुई है। ठीक है, उदय सिंह ने ही उदयपुर जो है वो नगर बसाया था। उदय सागर झील, मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण जो है वो उदय सिंह ने ही करवाया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर देखें आहड़ की छतरियां। तो आहड़ की छतरियां जो हैं, जो मेवाड़ राजवंश थे तो उनके सभी शासकों की छतरी जो है अमर सिंह फर्स्ट के बाद जो है वो यहीं पर बनी। तो इन आहड़ की छतरियों को जो है क्या कहा गया उसके बाद? महासतियां कहा गया। तो यहाँ आहड़ कहाँ है? उदयपुर में है। और पहली छतरी जो है मेवाड़ राजवंश की, यहाँ पर राणा अमर सिंह प्रथम की छतरी जो है वो बनाई गई। और राणा अमर सिंह प्रथम के बाद सभी शासकों की छतरियां जो हैं यहाँ आहड़ उदयपुर में बनी। और इन छतरियों को महासतियां कहा गया। तो मेवाड़ के शासकों में आप याद रखेंगे कि राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, 8 खंभों की बनी है। राणा प्रताप की छतरी बांडोली उदयपुर में है, 8 खंभों की बनी हुई है। चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद में है। राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में है, ये आप याद रखें। उसके बाद आहड़ की छतरियां जो है कहाँ है? आहड़ उदयपुर में। और उसके बाद जो भी मेवाड़ के राजवंश के जो भी शासक थे उनकी सभी की छतरियां जो है यहाँ बनने लगी। ठीक है, और इनको क्या कहा गया? महासतियां कहा गया। अगला देखिए गैटोर की छतरियां। गैटोर की छतरियां कहाँ है? जयपुर में है। और जयपुर राजवंश के जो राजा थे उनकी सभी की छतरियां जो है वो यहाँ पर बनी हुई हैं, जिसमें जो प्रथम छतरी है वो सवाई जयसिंह की है और जो अंतिम छतरी है वो माधव सिंह सेकंड की है। ठीक है, ईश्वरी सिंह माधव सिंह दो भाई थे। तो ये हमने जो है वो पढ़ा था जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो छतरी है सवाई जयसिंह की है और अंतिम छतरी जो है वो माधव सिंह सेकंड की है। ठीक है, और गैटोर की जो छतरियां हैं इन छतरियों में सवाई जयसिंह की जो छतरी है वो सबसे ज्यादा सुंदर छतरी है। ठीक है, जिसकी एक जो प्रतिलिपि है वो लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है। ठीक है, पूछा जा सकता है गैटोर की छतरियों में सबसे सुंदर जो है छतरी किसकी है? तो सवाई जयसिंह की है। छतरी का मतलब ऐसा नहीं होता है कि वहां पर जो है वो ऐसे ही बना दी जाए। इनको भी जो है वो स्मारक को भी इतना अच्छे तरीके से सुंदर तरीके से जो है वो बनाया गया है कि लगता ही नहीं है कि ये किसी की समाधि स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर गैटोर की छतरियों में सबसे सुंदर छतरी जो है वो सवाई जयसिंह की है। फिर देखिए जयसिंह का ही जो बड़ा पुत्र था ईश्वरी सिंह, तो ईश्वरी सिंह की छतरी जो है यह भी जयपुर में है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तीनों के नाम एक साथ याद रखें, सवाई जयसिंह, ईश्वरी सिंह और माधव सिंह। तो ईश्वरी सिंह की छतरी जयपुर में है, ईसर लाट के पास में है। ठीक है, और ईसर लाट को जो है वो हम सरगासूली भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जहां पर ईसर लाट नहीं आएगा सरगासूली आएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, ईसर लाट को ही सरगासूली भी कहते हैं। और यह छतरी जो है वो 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, ये ध्यान रखें। क्योंकि 32 खंभों की छतरी के नाम से जो है वो हम देखते हैं कि रणथंभौर में जो हमीरदेव चौहान हैं उन्होंने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासन काल के उपलक्ष्य में जो है वो छतरी बनवाई 32 खंभों की। ठीक है, और यहाँ पर ईश्वरी सिंह की छतरी जो है वह भी 32 खंभों की बनी हुई है। ठीक है, अगला देखें 32 खंभों की छतरी जिसकी मैंने अभी बात की, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। तो मैंने बिल्कुल ये एक साथ इसीलिए लिखा है ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। 32 खंभों की छतरी ईश्वरी सिंह की भी है और हमीरदेव चौहान ने बनवाई वह भी 32 खंभों की ही छतरी है। और इस छतरी के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है और डायरेक्ट ऐसा ही पूछता है कि 32 खंभों की छतरी जो है वह है, किसने बनवाई और कहाँ बनी हुई है? तब आपका आंसर होगा रणथंभौर सवाई माधोपुर में निर्माण जो है वो हमीर देव चौहान ने करवाया था। ठीक है, अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्ष की शासन की याद में बनवाई थी और इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि न्याय की छतरी जो है किसे कहा जाता है? तो 32 खंभों की जो छतरी है उसी को न्याय की छतरी कहते हैं।
और यह धौलपुर के जो लाल पत्थर है इससे बनी हुई है ये छतरी, ठीक है। तो इस न्याय की छतरी से आपको एक और बात याद आई होगी मुगलों से संबंधित, कि जो न्याय की जंजीर आगरा दुर्ग में किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी, ठीक है। अगला देखें, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है, ठीक है, स्टोरी आपको याद आ गई होगी उड़ना राजकुमार से ही। तो इनकी छतरी जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है राज संबंध में, और यह 12 खंभों की छतरी है। और इस जो ये जो छतरी है पृथ्वीराज सिसोदिया की, तो इसका शिल्पी है वो घसन पन्ना ने किया था, ठीक है। और इस छतरी में जो है वो नारियों के चित्र जो हैं वह भी यहाँ पर बनाए गए हैं। अमर सिंह राठौड़ की छतरी, तो अमर सिंह जिसे कटार का धनी कहा जाता है, तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी जो है वो नागौर में बनी हुई है, और यह छतरी जो है 16 खंभों की छतरी है। तो इतना ही याद रखें, नागौर में बनी हुई है अमर सिंह राठौड़ की छतरी। पाली वालों की छतरी, तो पाली वाल ब्राह्मण जो हैं वो, उनकी जो छतरी है वो कहाँ पर बनी हुई है? जैसलमेर में बनी हुई है। नाथों की छतरी, नाथों की छतरी कहाँ है? जालौर में है। इतना ही आप याद रखें। तो यहाँ पर बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं केवल आपको यही बात बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम में आए, ठीक है। तो नाथों की छतरी कहाँ है? जालौर में है। बंजारों की छतरी जो है वो लालसोट दौसा में है। वहीं पर गंगाबाई की छतरी जो है कहाँ है? गंगापुर भीलवाड़ा में है। और गंगाबाई की छतरी का निर्माण माधजी सिंधिया ने अपनी रानी गंगाबाई की स्मृति में बनवाई थी। नेक्स्ट देखिए, रैदास की छतरी। तो संत रैदास जिनकी शिष्या थी कौन? मीराबाई, ठीक है। तो इनकी जो छतरी है चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है, और यह 8 खंभों की छतरी है। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, और शेखावटी के भित्ति चित्र का प्राचीनतम उदाहरण है ये। भित्ति चित्र क्या होते हैं? जो दीवार पर चित्रकारी की जाती है उसे भित्ति चित्र कहा जाता है। तो शेखावटी के भित्ति चित्र का प्राचीनतम उदाहरण कौन सी छतरी है? जोगीदास की छतरी। कहाँ है? झुंझुनू में। देवा नामक चित्रकार ने जो है ये बनाए थे भित्ति चित्र। गौराधाय की छतरी, तो मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है गौराधाय को, ठीक है। जिस तरीके से मेवाड़ में पन्नाधाय थी उसी तरीके से मारवाड़ में कौन थी? गौराधाय। तो मारवाड़ की पन्नाधाय गौराधाय जो है इनकी छतरी कहाँ है? जोधपुर में है, और जिसका निर्माण जोधपुर के अजीत सिंह ने धाय माता गौराधाय की स्मृति में करवाया था। तो अजीत सिंह जो है इनको माँ ही मानते थे गौराधाय को, तो अजीत सिंह की रक्षा जो है वो गौराधाय ने अपने जीवन पर्यंत की थी, ठीक है। तो इसीलिए जो है अजीत सिंह ने धाय माता जो गौराधाय थी इनको पालन पोषण करने वाली थी, इनकी स्मृति में जोधपुर में इनकी छतरी का निर्माण करवाया। तो यहीं पर एक चीज और भी याद कर लेना कि जो पन्नाधाय हैं उनकी छतरी जो है वो कहाँ बनी हुई है? उदयपुर में बनी हुई है, ठीक है। मेवाड़ की जो पन्नाधाय हैं उनकी छतरी कहाँ है? उदयपुर में है। और मारवाड़ की जो पन्नाधाय हैं उनकी छतरी कहाँ है? जोधपुर में है। एग्जाम में यदि गौराधाय का नाम ही नहीं आएगा तो आप परेशान नहीं होना, मारवाड़ देखना। मारवाड़ की जो पन्नाधाय हैं उनकी छतरी कहाँ है? जोधपुर में है। फिर देखिए, कीरत सिंह सोड़ा की छतरी। कीरत सिंह सोड़ा की छतरी जो है वो कहाँ पर बनी हुई है? जोधपुर में बनी हुई है। ये जो कीरत सिंह है इनको क्या कहा जाता है? इनको करोड़ों के कीरत धनी जो है ये भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ के थे? जसोल के थे। तो इनकी जो छतरी है वो कहाँ पर बनी हुई है? जोधपुर में बनी हुई है। नेक्स्ट देखें, कागा की छतरियाँ। कागा की छतरियाँ भी कहाँ है? मारवाड़ जोधपुर में है। और जोधपुर के जो सामंत थे उनकी छतरियाँ हैं। कागा की जो छतरियाँ हैं वहां पर किनकी छतरी बनी हुई है? यहाँ पर जोधपुर के जो सामंत थे उनकी छतरियां बनी हुई हैं, और जिसमें राज सिंह कुंपावत की छतरी जो है वो प्रसिद्ध है। और ये जो नाम कागा है वो क्यों पड़ा? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है जो ऋषि थे काग भुसुंडी ऋषि, तो उन्होंने जो है यहाँ पर तपस्या की थी, ठीक है। तो यहाँ पर छतरियों का निर्माण करवाया गया। किसकी? जोधपुर के सामंतों की, जिसमें राज सिंह कुंपावत की छतरी जो है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मंडोर की छतरियां, ये हैं जोधपुर में, और यहाँ पर जोधपुर के जो राज परिवार हैं इनकी छतरियां बनी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मामा भांजा की छतरी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है।
पंचकुंडा की छतरियां। तो पंचकुंडा की छतरियां जो है वो जोधपुर महारानियों की छतरी जो है यहाँ पर बनी हुई है, और यहाँ पर जो है 49 यानी 49 छतरियां हैं, ठीक है, जिसमें मानसिंह की जो भटियानी रानी है उनकी छतरी है, जिसमें रानी सूर्यकवरी की छतरी सबसे बड़ी है और 32 खंभों की है। अगला देखें जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहाँ है? ये जोधपुर में है और महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की यहाँ छतरी है। इसका निर्माण जो है वो सरदार सिंह ने करवाया था जसवंत सिंह सेकंड की याद में। इसे राजस्थान का जो है वो ताजमहल भी कहा जाता है। जसवंत थड़ा को जो है वो राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। तो बस एक दो लाइनें जो है वो आप इनकी थोड़ा सा समझते चलिए, ठीक है, और कौन सी छतरी कहाँ है ये तो आपको याद ही करना है। फिर देखें केसर बाग, जिसको शार बाग भी कहा जाता है, और ये कहाँ है? बूंदी में है, ठीक है, और बूंदी राजवंश की जो है यहाँ पर लगभग 66 जो छतरियां हैं वो यहाँ बनी हुई हैं, जिसमें सबसे पुरानी जो छतरी है, सबसे प्राचीन, वो महाराजा कुमार दूधा की है। सबसे जो नवीन छतरी है वो कहाँ है? विष्णु शर्मा की है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला देखिए जगन्नाथ कछवाहा की छतरी, ये कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, ठीक है, और हमने देखा था कि राणा सांगा की जो छतरी है वह भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। तो दोनों साथ में याद रख लें, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी और राणा सांगा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। ये भी 32 खंभों की छतरी है, ठीक है, लेकिन 32 खंभों की छतरी से जो प्रश्न आएगा कि 32 खंभों की छतरी जो है वो कहाँ बनी हुई है, वो हमीरदेव चौहान के बारे में ही आएगा, ठीक है। यहाँ आपसे ये पूछा जाएगा कि जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि इनमें से कौन से शासक की छतरी जो है वो 32 खंभों की नहीं है, तो वहां पर जगन्नाथ कछवाहा की छतरी, वहां पर राणा हम्बीर देव के द्वारा जो है वो बनाई गई जैत्र सिंह की छतरी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दो तीन जो है नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है, तो वहां आपको याद रखना है। जोध सिंह की जो छतरी है वह भी 32 खंभों की बनी हुई है, ठीक है, लेकिन 32 खंभों की छतरी के नाम से जानी जाती है हम्बीर देव चौहान के द्वारा बनवाई गई छतरी। नेक्स्ट देखिए देवी कुंड की छतरियां बीकानेर में है, और यहां पर बीकानेर के जो राज परिवार है इनकी छतरी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर बीकानेर के जो राजा थे कौन? राव कल्याणमल, और कल्याणमल से जो है वो राव डूंगर सिंह तक की छत्रियां जो है यहाँ पर बनी हुई है बीकानेर के शासकों की। और यहाँ सूरत सिंह के पुत्र जो मोती सिंह है, इनकी पत्नी जो है दीप कुंवरी, इनकी भी छत्री बनी हुई है, जो बीकानेर राजघराने में सती होने वाली अंतिम महिला थी, ठीक है। तो ये तो कोई नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा कि देवी कुंड की छत्रियां जो है वो किन राज परिवारों की है? बीकानेर राज परिवारों की है। उसके बाद देखिए बड़ा बाग। तो बड़ा बाग यहाँ पर जैसलमेर के जो राज परिवार हैं इनकी छत्रियां बनी हुई हैं, और यहाँ पर सबसे पहले लूणकरण ने सर्वप्रथम अपने पिता जैत्र सिंह की छतरी का निर्माण करवाया था, ठीक है। हमीरदेव चौहान, उनके पिता का नाम भी जैत्र सिंह और लूणकरण के पिता का नाम भी जैत्र सिंह। तो बड़ा बाग यहाँ जैसलमेर राज परिवार के जो लोग हैं इनकी छतरियां बनी हुई हैं। छत्र विलास में कोटा राज परिवार की जो है वो छतरियां बनी हुई हैं, इतना ही याद रखें। बड़ा बाग में जैसलमेर राज परिवार और छत्र विलास में कोटा राज परिवार की जो छतरियां बनी हुई हैं। नेक्स्ट देखिए राजा बख्तावर सिंह की छतरी। तो अलवर में ही इनकी छतरी बनी हुई है राजा बख्तावर सिंह की। फिर देखें मूसी महारानी की छतरी। तो बख्तावर सिंह की पासवान थी मूसी महारानी, इनकी छतरी जो है वो भी अलवर में ही बनी हुई है, ठीक है। और ये जो पासवान थी ये बख्तावर की मृत्यु पर जो है सती हो जाती है, तो इनकी जो मृत्यु हो जाती है, जब ये सती हो जाती हैं तो इनकी याद में जो विनय सिंह हैं वो 80 खंभों की छतरी जो है अलवर में ही बनवाते हैं। ये छतरी जो है एक तो 2 मंजिला छतरी है, और इस पर जो है रामायण और महाभारत के जो है भित्ति चित्र जो है वह भी बने हुए हैं, ठीक है। मिश्र जी की छतरी। मिश्र जी की छतरी जो है वो कहाँ है? नेहड़ा अलवर में है, और विष्णु जी के 10 अवतारों का चित्रण जो है इस छतरी में किया गया है। तो
तो यहाँ पर हमने जो मुख्य छत्रियाँ हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं वो हमने सभी कर ली हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी छत्रियाँ हैं, इसका कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप लोगों को वो याद रखना है जो कि आपके एग्जाम के लिए सही है। तो देखिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो आपको झट से जो है वो दिमाग में आ जाना चाहिए हमने क्या पढ़ा। राणा सांगा की छत्री हमने सबसे पहले पढ़ी थी जो कि कहाँ पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा कहाँ पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। राणा प्रताप की छत्री बांडोली उदयपुर में है, चेतक की छत्री बलीचा गांव में है, और उदय सिंह जो है उनकी छत्री गोगुंदा उदयपुर में है, ठीक है। आहड़ की छत्रियां तो आहड़ उदयपुर में ही है। तो ये तो मेवाड़ की छत्रियों के बारे में हमने याद किया। फिर हमने देखा कि गैटोर की छत्रियां जो हैं, ईश्वरी सिंह की छत्री जो है जयपुर में है, ठीक है, और 32 खंभों की छत्री के नाम से मैंने कई बार आपको बता दिया है, हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद में 32 जो वर्ष का शासन किया उन्होंने उनकी याद में बनवाई, न्याय की छत्री भी इसी को कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री कुंभलगढ़ दुर्ग में है, राजसमंद में है। अमर सिंह राठौड़ की नागौर में है, और जो पालीवाल के जो ब्राह्मण हैं इनकी छत्री जो है वो जैसलमेर में बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद गंगाबाई की जो छत्री है गंगापुर भीलवाड़ा में, बंजारों की छत्री लालसोट उदयपुर में, सॉरी बंजारों की जो छत्री है वो लालसोट दौसा में, ठीक है। और उसके बाद गौराधाई की जो छत्री है वो जोधपुर में है, पन्नादाई की छत्री जो है वो उदयपुर में है, ठीक है। कागा की छत्रियां जो कि कहाँ है, जोधपुर में है। और इसमें जो है वो कागा की छत्रियों में विशेष बात क्या याद रखेंगे कि यहाँ पर सामंतों की छत्रियां बनी हुई हैं, ठीक है, जोधपुर के सामंतों की छत्रियां बनी हुई हैं। जसवंत थड़ा कहाँ है, जोधपुर में है, जसवंत सिंह की याद में। केसर बाग बूंदी में है, ठीक है। इसके अलावा पंचकुंडा की छत्रियां जोधपुर में है, और इसमें भी आप याद रखें कि पंचकुंडा की छत्रियां जोधपुर महारानियों की छत्री हैं, ठीक है। हमने छत्रियों में विशेष तौर पर देखा राजा महाराजाओं की छत्रियां हैं, जिसमें आपको कागा की छत्रियां याद रखनी है, सामंतों की छत्रियां हैं, और पंचकुंडा की जो छत्रियां हैं यहाँ पर जोधपुर की जो महारानी हैं उनकी छत्रियां बनी हुई हैं। उसके बाद जो है वो बड़ा बाग की छत्री जैसलमेर के जो राजवंश परिवार है उनकी छत्रियां हैं। राजा बख्तावर सिंह की छत्री मूसी महारानी की छत्री अलवर में है, मिश्र जी की छत्री नेहड़ा अलवर में ही है, ठीक है। तो ये आपको सभी याद हो गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा जब हमने मेवाड़ पढ़ा था और हमने जो भी शासकों के बारे में पढ़ा था तो उनके साथ में ही हमने ये याद भी किया था कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई है और इनका जो दाह संस्कार है वो कहाँ पर किया गया है और इनकी जो बनी हुई है छतरी वो कहाँ बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर अलग से मेंशन कर दिया गया है, बस इतना ही है, और कुछ और जो अन्य छतरियाँ हैं वो भी हमने यहाँ पढ़ ली, ठीक है। तो यहाँ पर छतरियों से संबंधित टॉपिक हुआ पूरा, और उसके बाद हम करेंगे राजस्थान की हवेलियाँ, तो उसमें भी हम मुख्य हवेलियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से आ चुके हैं और आगे भी संभावना है कि आगे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।